नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के एमसीक्यूज प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुए हैं। जिस प्रकार से हमारी सीरीज चल रही है, आज हम बात करने वाले हैं जर्मी बेंथम के बारे में। चूंकि आप जानते हैं कि जर्मी बेंथम ने विशेष रूप से उपयोगितावाद के सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, इनके आज तक विभिन्न प्रकार के एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यदि आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं या आप कॉलेज व्याख्याता की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये कक्षा आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप पॉलिटिकल एकेडमी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां जाकर आप इस प्रकार के बहुत से वीडियो, बहुत सी क्लासेज और कंटेंट भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे मोबाइल ऐप पॉलिटिकल एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यदि आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी करते हैं तो ये एक ऐसा मंच है जहां स्कूल व्याख्याता की बेहतर तरीके से तैयारी करवाई जाती है। आप हमसे जुड़िए, हम आपका एक मार्गदर्शक के रूप में एक सारथी की भूमिका निभा सकते हैं। आइए, चूंकि मुझे जानकारी है कि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, अमूल्य है, एक एक प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं कि बेंथम के संदर्भ में कौन से प्रश्न आज तक आ चुके हैं और उन प्रश्नों को कैसे हल किया जा सकता है। इससे आप जान पाएंगे कि प्रश्नों का लेवल किस प्रकार का होता है, एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, बेंथम के शास्त्रीय उपयोगितावाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चूंकि हमें बात करनी है बेंथम के उपयोगितावाद के संदर्भ में, बेंथम के उपयोगिता के संदर्भ में कौन से कथन सही है और कौन से गलत है, इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा गया है। किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले, चाहे कितना ही सरल प्रश्न है, उसको दो बार आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। तो बेंथम के उपयोगितावाद के संदर्भ में इन कथनों पर हम लोगों को विचार करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि बेंथम ने जो उपयोगितावाद के जो विचार है उसके, वो एक इस प्रकार की विचारधारा है जिसमें भौतिक सुखों पर बहुत अधिक विश्वास किया जाता है। और बेंथम ने अपनी पुस्तक में इस बात को स्पष्ट किया है कि मनुष्य सुख और दुख दो स्वामियों से नियंत्रित होता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना चाहता है और दुखों को कम करना चाहता है। मुझे लगता है इससे सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। सभी मनुष्य सुख को अधिकतम करना चाहते हैं और दुख को न्यूनतम करना चाहते हैं, ये कथन एकदम सही है। आप ठीक से जानते हैं उपयोगितावाद का मूल जो आधार है वो है सुखवाद। उपयोगितावाद की जो इमारत जिसके ऊपर टिकी हुई है वो है सुखवाद पर। बेंथम का मानना है कि वही कार्य अच्छे हैं जिससे व्यक्ति के सुखों में वृद्धि होती है और प्रत्येक व्यक्ति सुख को अधिकतम करना चाहता है, तो पहला कथन एकदम ठीक है। दूसरा, सभी सुख को जीवन में आध्यात्मिक शांति के लिए एक साधन के रूप में चाहते हैं। आप लोग इस बात को जानते हैं और आप लोगों को मैं पुनः याद दिला देता हूं कि बेंथम को सेबाइन ने आमूल परिवर्तनवादी कहा था। आमूल परिवर्तनवादी कहने का मतलब है कि बेंथम के समय या बेंथम से पहले जितने भी इंग्लैंड में अवधारणाएं, धारणाएं, जितने भी सिद्धांत प्रचलित थे, उन सबको बेंथम ने नकार दिया और उन सबके ऊपर कड़ा प्रहार किया। बेंथम ने ईश्वरीय सत्ता को, नैतिकता को, आत्मा परमात्मा को, बेंथम ने सामाजिक समझौता को, प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अवस्था, इनमें से किसी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और इन सब पर प्रहार किया। इवन बेंथम धर्म को तर्क के विरुद्ध मानते थे, वो नास्तिक थे और उनका मानना था कि धर्म का उपयोग केवल व्यक्ति के हितों में होना चाहिए, व्यक्ति के सुख में वृद्धि करने के लिए होना चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बेंथम चूंकि एक इस प्रकार की विचारधारा के प्रेरक थे जिसमें केवल भौतिक सुखों को महत्व दिया जाता है, इस प्रकार से बेंथम के उपयोगितावाद में कहीं पर भी हम कह सकते हैं कि नैतिकता या ईश्वर या आत्मा परमात्मा, आध्यात्मिकता के लिए किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं है। बेंथम का उपयोगितावाद भौतिक सुखों पर आधारित है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बेंथम के उपयोगितावाद में आध्यात्मिक शांति जैसे या ईश्वरीय सत्ता जैसे या आध्यात्मिकता, आत्मा परमात्मा जैसे किसी भी शब्द का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है, तो इस प्रकार से यह कथन सही नहीं है। तीसरा, हम सुख की अधिकतम मात्रा चाहते हैं न कि सर्वोत्तम गुणात्मक सुख। यह कथन बिल्कुल बेंथम से संबंधित है कि हम सुख की अधिकतम मात्रा चाहते हैं। आप जानते हैं कि दो प्रकार की बात होती है, एक होती है मात्रात्मक और दूसरा है गुणात्मक। आप बेहतर तरीके से जानते हैं यदि आपने ठीक से थोड़ा सा बेंथम को पढ़ा है तो बेंथम मात्रात्मक सुखों में मात्रात्मक अंतर को स्वीकार करते हैं, उन्होंने गुणात्मक अंतर को स्वीकार नहीं किया है। बेंथम का स्पष्ट कहना है कि सुख की मात्रा समान होने पर
पुष्पिन के खेल यानी बच्चों के खेल और किसी कविता, एक अच्छी कविता के पढ़ने से जो सुख प्राप्त होता है वो बराबर होता है। बीवन बैंथम ने यहां तक कह दिया था कि किसी कील के पांव में चुभने से जो दर्द या जो दुख होता है उतना ही दुख एक कर्कश कविता सुनने से होता है। इस प्रकार से बैंथम ने सुखों के गुणात्मक अंतर को स्वीकार नहीं किया है, बल्कि कैसे अंतर को स्वीकार किया है, मात्रात्मक अंतर को स्वीकार किया है, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो देखिए, इस प्रकार से हम सुख की अधिकतम मात्रा चाहते हैं, बिल्कुल बैंथम अधिक से अधिक सुखों में वृद्धि करना चाहते हैं और वो मात्रात्मक अंतर ही स्वीकार करते हैं, गुणात्मक अंतर बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते, न कि सर्वोत्तम गुणात्मक सुख। अर्थात बैंथम सुखों में गुणात्मक अंतर को स्वीकार ही नहीं करते हैं। उनका बहुत प्रसिद्ध कथन है कि सुख की मात्रा बराबर होने पर पुष्पिन के खेल अर्थात बच्चों के खेल और कविता, एक बेहतर कविता के पढ़ने से उतनी सुख की प्राप्त होती है जितने कि एक पुष्पिन के खेल खेलने से। इस प्रकार से बैंथम ने गुणात्मक सुखों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार से हम बात करें तो दो कथन इसमें सही है, कथन नंबर एक और कथन नंबर तीन। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा केवल एक व तीन। दूसरा प्रश्न बैंथम से संबंधित में अधिकतम प्रश्न काफी सरल है, आप लोगों को पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से किस विचारक का कहना है कि आज्ञा पालन का संभावित शरारत विरोध से संभावित शरारतों से कम है? तो चूंकि हम बैंथम का टॉपिक ही पढ़ रहे हैं तो आपको ये तो पता है कि इसका आंसर तो बैंथम ही होगा, लेकिन इसका आंसर कैसे है? बैंथम उपयोगितावादी है। बैंथम का मानना है कि राज्य के जो आदेश है, कानून जो है, संप्रभुता के आदेश ही कानून है। अर्थात राज्य अर्थात संप्रभुता, संप्रभुता के द्वारा दिए गए आदेश ही कानून है और व्यक्ति उन कानूनों का उसी सीमा तक पालन करेगा जिस सीमा तक वो कानून उसके हित में है, उसके सुखों में वृद्धि करते हैं या उसकी उपयोगिता को बढ़ाते हैं। इस प्रकार से बैंथम संप्रभुता का समर्थन करते हुए भी उन्होंने निरंकुश संप्रभुता का समर्थन नहीं किया है। बैंथम ने कहा प्रत्येक कानून को उपयोगिता की कसौटी पर हमें तोलना चाहिए। इवन बैंथम तो यहां तक कहते हैं कि सुख मापक यंत्र के माध्यम से, फिलोसफिक कैलकुलेशन के माध्यम से विधायक को या विधायिका को कोई भी कानून बनाने से पहले सुखों की मात्रात्मक गणना करनी चाहिए और ऐसे कानून जो व्यक्ति के सुख की मात्रा में वृद्धि करते हैं उन्हीं कानूनों का निर्माण करना चाहिए, अन्य कानूनों का निर्माण ही नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से बैंथम का मानना था कि व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि उसकी आज्ञा का पालन नहीं करने से दुख सुख की मात्रा कम होती है, जबकि आज्ञा पालन करने से उसके सुख में वृद्धि होती है। उसका बहुत प्रसिद्ध कथन है कि राज्य के आज्ञा पालन का संभावित शरारत, यानी कि राज्य के आज्ञा के पालन से जो सुख है, उस सुख की जो मात्रा है, विरोध के संभावित शरारतों से कम है। इसका मतलब है कि आज्ञा पालन करने से उतना दुख नहीं होता है जितना उसकी आज्ञा का पालन नहीं करने से होता है, इसलिए राज्य की आज्ञा का पालन करने में ही फायदा है। तीसरा, किसने सुख और दुख नामक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो बैंथम ने सुख और दुख नामक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। बैंथम स्पष्टतः लिखते हैं कि मानव दो प्रकार के स्वामियों के अधीन है, वह है सुख और दुख। व्यक्ति प्रत्येक उस कार्य को करता जिससे उसके सुखों में वृद्धि होती है और उसके दुख में क्या होती है, कमी होती है। चौथा प्रश्न, उपयोगितावाद का संस्थापक कौन है? उपयोगितावाद के प्रथम विचारक तो ह्यूम है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उपयोगितावाद के प्रथम विचारक कौन है तो उसका आंसर तो होगा ह्यूम, लेकिन यहां पूछा है उपयोगितावाद के संस्थापक या हम कह सकते हैं उपयोगितावाद के प्रणेता, यानी कि व्यवस्थित रूप से उपयोगितावाद के सिद्धांत को पहली बार प्रस्तुत करने वाले या सिद्धांत देने वाले थे जर्मी बैंथम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बैंथम के दर्शन की आलोचना पिक फिलोसफी के रूप में किसने की थी? बहुत अच्छी आलोचना ये की जाती है, विशेष रूप से कार्लाइल ने यह आलोचना की है। कार्लाइल का कहना है कि बैंथम ने पशु जगत के नियमों को, सुअर के नियमों को, पशुओं के नियमों को, पशुओं के सुख और मानव के सुख को बराबर समझा है। इस प्रकार से मानव जीवन की तुलना उन्होंने पशु जगत से की है, सुअर से उससे तुलना की है मानव की। इस कारण से कार्लाइल कहते हैं कि बैंथम का जो उपयोगितावादी जो दर्शन है वो पिक फिलोसफी है, या इसको सुअर दर्शन भी, शुक्र दर्शन भी कहा जाता है। शुक्र दर्शन
या सुअर का दर्शन भी कहा जाता है, सुअर का दर्शन, सुअर का दर्शन। पिक फिलॉसफी, कार्लाइल ने यह आलोचना की, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्लाइल, कार्लाइल। नेक्स्ट प्रश्न, व्यक्ति को उपयोगिताओं का उपभोक्ता किसने माना है? उपभोक्ता किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति जो किसी भी वस्तु की अंतिम या प्रत्यक्ष रूप से जिस वस्तु का उपभोग करता है उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। सुख का उपयोग या उपयोगिता का उपयोग मानव करता है, इस प्रकार से बेंथम ने व्यक्ति को उपयोगिताओं का उपभोक्ता कहा है। अगला प्रश्न, बेंथम राजनीतिक विचार के किस स्कूल के विचारक है? बेंथम ने जो सिद्धांत दिया उसको उपयोगिता का सिद्धांत कहते हैं। इसी सिद्धांत को बेंथम के कारण बेंथमवाद के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से बेंथम और उपयोगिता के विचार से जुड़े हुए समस्त विचारक उपयोगितावाद की स्कूल के विचारक माने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जेरेमी बेंथम की, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। और इस पुस्तक का प्रकाशन आपको विशेष रूप से याद रखना है 1789 में। इसी पुस्तक में बेंथम ने कहा था कि मनुष्य सुख व दुख नामक दो स्वामियों के नियंत्रण में रहता है और व्यक्ति वही कार्य करता है जिससे उसके सुखों में वृद्धि होती है और दुख में कमी होती है। बेंथम के राजनीतिक चिंतन की इमारत किस विचार पर टिकी हुई है? तो बेंथम का जो राजनीतिक विचारक है उपयोगितावाद, इस उपयोगितावाद की जो इमारत है वो सुखवाद पर टिकी हुई है। किसके ऊपर? सुखवाद पर टिकी हुई है, क्योंकि बेंथम का उद्देश्य है कि मानव को अधिक से अधिक सुख प्राप्त होने चाहिए और यही सुख उपयोगितावाद का आधार है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बेंथम के राजनीतिक चिंतन की इमारत जिसके ऊपर टिकी हुई है, उसके संपूर्ण सिद्धांत का जो निर्माण हुआ है वो सुखवाद के ऊपर हुआ है। तो ध्यान रखना, इसमें बिल्कुल भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। उपयोगितावादी सिद्धांत उसने दिया था, उसका मानना था कि राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्ति के अधिकतम सुख में वृद्धि करना है, सरकार का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में वृद्धि करना है, आनंद कलन यानी कि सुखों को मापने का जो यंत्र है उसको सुख कलन या फिर हम कह सकते हैं फिलोसॉफिक कैलकुलेशन भी कहा जाता है, लेकिन उसका जो विचार है मुख्यतः वो किसके ऊपर टिका हुआ है? सुखवाद के ऊपर टिका हुआ है। बड़ा अच्छा प्रश्न था, ऐसे प्रश्नों को ठीक से आप तभी हल कर पाते हैं जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि अन्यथा इसमें आपको सारे के सारे क्या लगेंगे? सही लगेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पहला विचारक जिसने मानव व्यवहार के संदर्भ में सुख की प्राप्ति और दुख के निवृत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। देखिए प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, लेकिन जहां सुख और दुख, जहां सुखों में वृद्धि आ जाती है, उसका आंसर आपके क्या होगा? बेंथम ही होगा, क्योंकि बेंथम ही पहला विचारक था जिसने कहा कि मानव व्यवहार सुख में वृद्धि करना चाहता है और दुखों में क्या करना चाहता है? कमी करना चाहता है। यह प्रश्न बहुत अच्छा है, पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। कौन सा कथन बेंथम के नाम के साथ जुड़ा हुआ है? तो संतुष्ट सुवर से असंतुष्ट मानव होना श्रेष्ठ है, यह कथन जेएस मिल का है, जो कि उपयोगितावाद में संशोधन करते हैं और बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना भी करते हैं, क्योंकि बेंथम ने सुखों में गुणात्मक अंतर को स्वीकार नहीं किया, जबकि जेएस मिल गुणात्मक अंतर को भी स्वीकार करते हैं। पुष्पिन उतना ही सुखद है जितना काव्य पाठ, बिल्कुल यह कथन बेंथम से संबंधित है कि सुख की मात्रा बराबर होने पर पुष्पिन के खेल यानी कि बच्चे के कंचे के खेल में और काव्य पाठ करने में बराबर सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि बेंथम सुखों के मात्रात्मक अंतर को स्वीकार करता है, गुणात्मक अंतर को स्वीकार नहीं करता। सुखों में गुणात्मक भेद होता है, बेंथम इस बात को स्वीकार नहीं करता है, जेस मिल इस बात को स्वीकार करता है। सुखों को मापा नहीं जा सकता है, जेस मिल का कहना है कि सुखों को मापा नहीं जा सकता है, बेंथम का मानना है कि सुखों को मापा जा सकता है, उसके लिए वो उसके लिए एक यंत्र भी चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा दो। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, वर्ष भी आपको याद रहना चाहिए 1776। इस पुस्तक को लिखने का मुख्य कारण था ब्लैकस्टोन की जो पुस्तक थी उसकी आलोचना करना, जिसमें कानून की टीकाएं थी ब्रिटेन की, जिसमें कई प्रकार की पुरातन बातों को आधार बनाया गया था। इसको
इसको अस्वीकार करते हुए बैंथम ने उसके विरोध में उसको उसके ऊपर कटाक्ष करने के लिए उसके उसके तथ्यों को काटने के लिए बैंथम ने 1776 में फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट नाम की एक पुस्तक की रचना की। तो ये पुस्तक किसकी है? बैंथम की है। वर्ष भी आप लोगों को याद रखना है 1776। ये एक ऐसी पुस्तक थी जिसके ऊपर लेखक का नाम का उल्लेख नहीं था। इस कारण से जो है बाद में जब ये पुस्तक बहुत अधिक फेमस हुई तो बैंथम के पिता ने घूम घूम पर इस बात का प्रचार और प्रसार किया कि पुस्तक मेरे पुत्र के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, बैंथम के सिद्धांत का आधारभूत तत्व क्या है? बैंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत जिस इमारत पर टिका हुआ है, जिस आधार पर टिका हुआ है, वो आधार कौन सा है? सुख है, इस बात का ध्यान रखना। व्यक्ति दुखों में वृद्धि नहीं करना चाहता है। उपयोगितावाद तो सिद्धांत का नाम है और सुधार नाम की चीज को वो इसी बहस पर स्वीकार करता है कि व्यक्ति के सुखों में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है अगला कि बैंथम द्वारा प्रतिपादित पैनोप्टिकन योजना का संबंध किस बात से है? बैंथम ने कानूनों की संहिता की बात कही, बैंथम ने जेलों में सुधार की बात को स्वीकार किया, बैंथम ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात कही, बैंथम ने दंड व्यवस्था में सुधार की बात कही। इंग्लैंड के कानून, इंग्लैंड की दंड व्यवस्था, इंग्लैंड की जेल व्यवस्था की उसने जबरदस्त आलोचना की। इसी कारण उसको आमूल दार्शनिक के नाम से जाना जाता है। बैंथम की एक योजना उसने प्रस्तुत की, बैंथम ने, जिसका नाम है पैनोप्टिकॉन। ये पैनोप्टिकॉन एक ऐसी योजना थी जिसमें बैंथम ने कहा कि अर्धचंद्राकार जेल का निर्माण होना चाहिए, अर्थात कैदियों को रखने के लिए जिस जेल का निर्माण किया जाए, बहु इमारता हो सकती है लेकिन ये अर्धचंद्राकार होनी चाहिए और इस जेल का जो अधीक्षक है, जेल का जो निरीक्षक है, वो यहां पर बैठेगा और यहां से वो प्रत्येक कैदी पर नजर रख सके। इस कारण से उस ये सबसे बेहतर हो सकता कैदियों के लिए भी और जेल के लिए भी। इसलिए उसने जो योजना प्रस्तुत की जेलों में सुधार करने के लिए, जेलों का निर्माण इस प्रकार से होना चाहिए, उसी को क्या, कौन सी योजना कहा जाता है? पैनोप्टिकॉन योजना कहा जाता है। एक और बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि बैंथम खुद इसका अधीक्षक बनना चाहता था, हालांकि योजना अब बाद में लागू ही सफल नहीं हुई पूर्णतः, लेकिन बैंथम इसका अधीक्षक नहीं बन सका। बैंथम को इस बात का बहुत दुख था कि योजना लागू नहीं हो पाई थी। तो कुल मिलाकर यह किससे संबंधित है? सजायफताओं की निगरानी के लिए, यानी कि कैदियों की निगरानी के लिए योजना थी जिसको जेल के संदर्भ में इसको देखा जा सकता है। अगला, बैंथम की कानूनी अवधारणा क्या व्यक्त करती है? बैंथम वैधानिक संप्रभुता के समर्थक थे। बैंथम वैधानिक संप्रभुता के समर्थक थे, अर्थात संप्रभुता के आदेश ही क्या है? कानून है। और व्यक्ति उन कानूनों का इसलिए पालन करता है क्योंकि वो कानून उसके सुखों में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। बैंथम ने तो यहां तक कह दिया था कि व्यक्ति राज्य के आदेश का पालन उसी सीमा तक करेगा जिस सीमा तक उसके सुखों में वृद्धि होगी, उसके लिए वो उपयोगी होंगे, उसके लिए वो औचित्य सिद्ध करते होंगे। बैंथम की कानूनी अवधारणा क्या व्यक्त करती है? मनुष्य राज्य के कानूनों का प्रतिपालन इसलिए करता है कि सामान्य बुराई परिपालन में कम जबकि अमान्यता में अधिक है। कानून एक आवश्यक बुराई है, यह बिल्कुल भी नहीं है। कानून संप्रभुता की आज्ञा है, बिल्कुल संप्रभुता की आज्ञा है, इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है, उपयोगिता से कोई लेना देना नहीं है। इन दो विकल्प में हम लोग विचार कर सकते हैं कि कानूनी अवधारणा क्या व्यक्त करती है। कानूनी अवधारणा इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि संप्रभुता के आदेश ही कानून है, लेकिन यह प्रश्न क्या है? बैंथम की कानूनी अवधारणा व्यक्त क्या करती है? तो बैंथम की कानूनी अवधारणा व्यक्त यह करती है कि मनुष्य राज्य के कानूनों का पालन इसलिए करता है ताकि सामान्य बुराई परिपालन में कम जबकि अमान्य में अधिक है। एक बात आपको ठीक से समझनी है, राज्य होगा, राज्य के कानून बनेंगे तो व्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या होगी? कमी होगी। जितने अधिक कानून होंगे हमारी स्वतंत्रता में कमी होगी, लेकिन बैंथम का कहना है कि कानूनों का पालन करने में सामान्य बुराई कम है, उसके पालन करने में बुराई कम है जबकि उसके पालन नहीं करने में बुराई क्या है? अधिक है। इसका तात्पर्य है कि राज्य के आदेश के पालन करने से जो हमें नुकसान हो रहा है, राज्य के आदेश के पालन नहीं करने से वो नुकसान उससे भी अधिक हो रहा है, इसलिए हम राज्य के आदेशों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। तो इसका कथन ये हो जाएगा सही। अगला, जेरेमी बैंथम ने, बैंथम के निम्नलिखित में से किस अवधारणा को मिशेल फूको ने बुजुर्वा राज्य की दंड व्यवस्था का उच्चतम रूप बताया?
ये जो बैंथम की विशेष रूप से देखिए दंड से संबंधित है, तो दंड से संबंधित है तो फेलिसिफिक कैलकुलेशन तो सुख और दुखों के मापने का एक यंत्र है। क्रिस्टोमेथिया इससे संबंधित है नहीं, जिसमें वो एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया इसने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करते हुए। मॉनिटोरियल उसकी शिक्षा में सुधार करने से संबंधित एक योजना थी, जिसके तहत बैंथम जो है ये कहता था कि उच्च कक्षा के जो विद्यार्थी है, जो मेघावी विद्यार्थी, वो निम्न कक्षा के विद्यार्थियों को अध्यापन करवाएंगे, इसी को मॉनिटर प्रणाली या मॉनिटोरियल प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से मिशेल फुको ने कहा कि जो बैंथम की जो पेनोप्टिकन योजना है, इस पेनोप्टिकन योजना के तहत जहां कैदियों को रखा जाता था जेलों के अंतर्गत, वह जो ये योजना थी मिशेल फुको के अनुसार बुजुर्वा राज्य की दंड व्यवस्था का ये उच्चतम उसने रूप बताया कि जेल के निरीक्षक जो व्यक्ति है, जो अधिकारी है, उसकी नजर में सारे लोग रहने चाहिए ताकि ठीक से उनके ऊपर नजर रखी जा सके। तो ये इसका आंसर रहेगा पेनोप्टिकन। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। कौन सा प्रश्न कब पूछा गया साइड में लिख रखा है, आप लोग इसे जरूर देखें। मैं इसको उच्चारित करके आपका समय नहीं गंवाना चाह रहा हूं। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस विचारक ने राजा राममोहन राय की पुस्तक की प्रशंसा करते हुए उसकी शैली की तुलना जेम्स मिल से की थी? दो बातों का यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जेरेमी बैंथम बहुत अधिक लोकप्रिय थे अपनी सरलता के कारण, अपनी विद्वत्ता के कारण। उनको विधि शास्त्र का न्यूटन भी कहा जाता है, लेकिन सादा जीवन और सरलता के कारण उनके अनुयायी बहुत अधिक थे। ठीक उसी प्रकार से महात्मा गांधी के भी सरलता, सादा जीवन, उनकी विद्वत्ता के कारण विश्व भर में अत्यधिक अनुयायी थे। इस कारण एक तो महात्मा गांधी को आधुनिक बैंथम के नाम से जाना जाता है, एक तो इस तथ्य का आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा, जेरेमी बैंथम और राजा राममोहन राय दोनों समकालीन थे, दोनों के बीच में अच्छी मित्रता थी, दोनों के बीच में अक्सर पत्र व्यवहार के द्वारा बातचीत भी हुआ करती थी। तो राजा राममोहन राय के संदर्भ में जेरेमी बैंथम ने कहा था कि राजा राममोहन राय की जो पुस्तक है वो जेम्स मिल से उसकी शैली मिलती है, तो ये कथन किसका है? जेम्स मिल, ये कथन आपके जेरेमी बैंथम का है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जेरेमी बैंथम और भारत के किस विचारक या भारत के किस समाज सुधारक के विचार आपस में मिलते थे या उनके बीच में पत्र व्यवहार होता था, तो आपका उत्तर होगा राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक की बैंथम ने अपनी कृति फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट में आलोचना की थी? इस प्रश्न के उत्तर को जानने से पहले आपको पुणे पीछे की कक्षाओं में मैं ले जाना चाहता हूं, जब हमने जॉन लॉक का अध्ययन किया था और जॉन लॉक की टू ट्रीटियाइज पुस्तक के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, तो वाहन ने कहा था कि जो टू ट्रीटियाइज है ये दो नली तालाब है, दो नली बंदूक है। इनकी इसके कितनी नलियां हैं? दो है। एक नली उसने बंदूक की तान रखी है हॉब्स के सामने और हॉब्स की निरंकुश सत्ता का वो विरोध करता है, निरंकुश संप्रभुता की आलोचना करता है। और उस किताब के दूसरे भाग में वो जो विशेष रूप से रॉबर्ट फिल्मर जो जॉन लॉक का समकालीन था और उसने जो अपनी जो पुस्तक थी उस पुस्तक में उसने जो पितृसत्तात्मक और राजा के दिव्य अधिकारों की जो बात की थी उसकी वो जबरदस्त आलोचना करता है। हालांकि हॉब्स की आलोचना वो अप्रत्यक्ष करता है, लेकिन रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक जो पैट्रियार्की थी, रॉबर्ट फिल्मर की जो पुस्तक जो पैट्रियार्की थी, उस पैट्रियार्की की जबरदस्त आलोचना करता है, जिसमें रॉबर्ट फिल्मर ने राजा की देवी अधिकारों, राज्य की देवी उत्पत्ति और पितृसत्तात्मक सत्ता की समान ही राज्य की सत्ता को जब उसने स्वीकार किया, लॉक ने इन सब की जबरदस्त आलोचना की, क्योंकि लॉक प्राकृतिक अधिकारों का समर्थक था। लॉक सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य के निर्माण की बात करता था। लॉक का मानना है कि सामाजिक समझौते के माध्यम से व्यक्तियों ने राज्य का निर्माण किया, इसलिए राज्य कभी निरंकुश नहीं हो सकता है, वो सीमित होगा और राज्य व्यक्ति के हित में कार्य करेगा। जिस प्रकार से जॉन लॉक ने टू ट्रीटीज की पुस्तक में रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक पैट्रियार्का की आलोचना की, ठीक उसी प्रकार से जेरेमी बैंथम ने भी अपनी पुस्तक फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट में उसने ब्लैकस्टोन की जो कमेंट्रीज, यानी कि ब्रिटिश कानून पर जो टीकाएं लिखी हुई थी, ये जो ब्लैकस्टोन की जो कमेंट्रीज जो पुस्तक थी उसकी जबरदस्त आलोचना की। तो दोनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं, इनमें आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ये 1776 की पुस्तक है और ये साइट जहां तक मुझे याद है 1771 की पुस्तक थी, ब्लैकस्टोन की कमेंट्रीज, जिसकी उस बात को उसने पूर्णतः क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। इनके जो सिद्धांत थे उनको स्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया और उसके ऊपर कड़ा प्रहार बैंथम के द्वारा किया गया फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट के माध्यम से। तो बाकी चीजें देखने की आवश्यकता नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम,
तो आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं, सीधा प्रश्न का उत्तर आएगा। चलिए अगला, जेरेमी बेंथम ने किस प्रकार की सरकार को प्राथमिकता दी थी? क्योंकि जेरेमी बेंथम उपयोगितावादी थे तो वो कैसी सरकार को प्राथमिकता दे सकते हैं, जरा देखिए। परोपकारी तानाशाही, तानाशाही का तो नाम ही नहीं आ सकता है। सैन्य तानाशाही, सैन्य तानाशाही भी नहीं आ सकती है। राजशाही, राजशाही का वो बिल्कुल भी समर्थक नहीं था। इस प्रकार से वह प्रतिनिधि लोकतंत्र का समर्थक था। प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र अर्थात जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन व्यवस्था चलानी चाहिए। एक और बात जो आप लोगों को यहां से याद रखनी है, रूसो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक था, जबकि लॉक भी प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का समर्थक था। रूसो का मानना था कि सामान्य इच्छा का वास सामान्य जनता में होता है, अतः उसका प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है। जबकि जेरेमी बेंथम का मानना था कि शासन एक कला है, जिस प्रकार से प्लेटो ने कहा था, शासन एक कला है और उसको करने की जिसको जानकारी है, जो उसका विशेषज्ञ है, उसी को शासन की सत्ता देनी चाहिए। इसलिए प्लेटो दार्शनिक राजा का निर्माण करता है, फिलोसोफर किंग का निर्माण करता है और उसके तहत वो जो है आदर्श राज्य की स्थापना करता है। ठीक उसी प्रकार से बेंथम का भी कहना है कि शासन एक कला है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति शासन करने में निपुण नहीं हो सकता है, अतः जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा, जो उस चीज के विशेषज्ञ है, उनके द्वारा शासन किया जाना चाहिए। बेंथम प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र के समर्थक थे। आइए अगला प्रश्न, किसने प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन बैसाखियों पर बकवास के रूप में किया? यह बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए हो सकता है और बेंथम का अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है। चूंकि मैं पहले ही आप लोगों से कह चुका हूं कि जेरेमी बेंथम आमूल परिवर्तनवादी थे, आमूल दार्शनिक थे, सेबाइन ने ऐसा कहा था। जेरेमी बेंथम से पहले सामाजिक समझौता सिद्धांत वेताओं ने जिस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौता, प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या की, बेंथम ने इन सबको सिरे से खारिज कर दिया। बेंथम का मानना है कि सामाजिक समझौता, प्राकृतिक अधिकार की बात करना, राज्य के अस्तित्व से पहले सामाजिक समझौते की बात करना, एक प्रकार से बेंथम के अनुसार केवल बकवास है। ये बकवास ही नहीं, बेंथम ने यहां तक कह दिया ये केवल अराजक भ्रम है। बेंथम ने इसे बैसाखियों की बकवास भी कहा। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों की बात को अर्थहीन बताया। क्या बताया? अर्थहीन बताया। तो उसने बहुत से शब्दों के माध्यम से इन प्राकृतिक अधिकारों की उन्होंने क्या की थी, आलोचना की थी। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को बकवास और अराजक भ्रम का। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकार जो अहस्तांतरणीय जो अधिकार है वो केवल अलंकारिक बकवास है, इस शब्दावली का भी प्रयोग किया। बेंथम ने कहा ये निरे निरर्थक है, ये आध्यात्मिक विभ्रम है, ये प्रमाद का गड़बड़ घोटाला है। इवन उन्होंने कहा यह शब्दाम डंबर है और ये बैसाखियों पर बकवास है, प्राकृतिक अधिकार कुबुद्धि और अर्थहीन है। प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करने का बेंथम के पीछे एक बहुत बड़ा तर्क था। क्योंकि प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त होते हैं, अतः प्राकृतिक अधिकारों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक अधिकारों में आप कमी नहीं कर सकते हैं, प्राकृतिक अधिकारों को आप छीन नहीं सकते हैं। इसलिए बेंथम ने कहा प्राकृतिक अधिकार क्रांति की चिंगारी लगाते हैं। और बेंथम का मानना था कि क्रांति, हिंसा, युद्ध केवल पढ़ने में अच्छे लगते हैं, व्यवहार में यदि क्रांति, हिंसा होती है तो यह हमारे लिए बहुत अधिक घातक सिद्ध होती है। अतः बेंथम क्रांति के समर्थक नहीं थे, बेंथम अशांति के समर्थक नहीं थे, बेंथम शांति के समर्थक थे। और बेंथम का मानना था कि प्राकृतिक अधिकारों की बात करने का मतलब है आतंकवादी भाषा में बात करना है। प्राकृतिक अधिकारों को उसने आतंकवादी भाषा की संज्ञा भी दी थी। इसलिए बेंथम किसी प्रकार के प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक कानूनों के समर्थक नहीं थे। बेंथम वैधानिक कानूनों के समर्थक थे, वैधानिक अधिकारों के समर्थक थे जो कि असीमित नहीं होते हैं। तो किसने प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन बैसाखियों पर बकवास के रूप में किया? तो इसका आंसर तो होगा बेंथम, लेकिन इसके माध्यम से आपने बहुत सी चीजों को जाना है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए उन्हें अराजक भ्रम का, जो कि पूरी चर्चा हम कर चुके हैं, इसका आंसर भी होगा बेंथम। अगला प्रश्न, नैतिकता और विधायन के नियम पुस्तक किसने लिखी थी? हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, बेंथम की यही पुस्तक थी जो 1789 में प्रकाशित हुई थी और यह बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी बेंथम की। और इसी पुस्तक में उसने कहा था कि मानव दो प्रकार के स्वामियों के नियंत्रण में रहता है, सुख और दुख। तो यह पुस्तक किसकी है? बेंथम की है। निम्न में से कौन एक बेंथम के सुखवादी संगणक में नहीं था? बेंथम ने सुखों की गणना करते समय 7 आधार बताए। उसने कितने आधार बताए थे? 7। उन 7 आधारों में से कौन सा है और कौन सा नहीं है? देखिए, बेंथम ने सुखों की प्राप्ति के 4 स्रोत बताए थे। बेंथम ने सुख और दुख का वर्गीकरण किया था, जिसमें उसने सामान्य सुख 14 और सामान्य दुख 12 बताए थे।
बेंथम ने इसके अलावा सुख और दुख के निर्धारक तत्व 32 बताए थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो यह था कि बेंथम ने अपनी इसी पुस्तक में नैतिकता एवं विधायन के नियम अर्थात एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, इस पुस्तक में बेंथम ने 7 आधार बताए सुखों की गणना करने का। सुख और दुख की गणना सुख मापक यंत्र के माध्यम से, फिलोसफिकल यंत्र के माध्यम से जो करने की जो उसने बात कही, स्प्रिंग ऑफ एक्शन जो एक मानचित्र उसने बताया, इसके माध्यम से सुखों की गणना की जा सकती बेंथम के अनुसार, क्योंकि बेंथम सुखों में मात्रात्मक अंतर को स्वीकार करता है और जहां मात्राएं होती है वहां उस चीज को गणना की जा सकती है, उनको जोड़ा जा सकता है, उनको देखा जा सकता है कितने अधिक है कितने कम है। लेकिन बेंथम ने कहा कि सुखों का मात्रा की गणना करते समय 7 आधारों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उन 7 आधारों को मैं एक एक लिख देता हूं, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें नहीं है। सबसे पहले उसने कहा तीव्रता, तीव्रता। नंबर 2 इसमें है निश्चितता, निश्चितता। नंबर 3 इसके अंतर्गत है कालावधि, कालावधि। नंबर 4 इसके अंतर्गत आएगा समय की निकटता, यानी कि निकटता, निकटता व दूरी। नंबर 5 इसके अंतर्गत है जनन शक्ति, जनन शक्ति। और नंबर 6 इसके अंतर्गत है विशुद्धता, और नंबर 7 है विस्तार। ये 7 उसने आधार बताए। तो जरा देखिए, सन्निकटता बिल्कुल है। सन्निकटता का मतलब है कि कोई भी सुख कितना दूर है और कितना नजदीक है। यदि सुख नजदीक है, यानी कि कोई ऐसा सुख जिसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, और एक सुख बहुत अधिक दूर है, तो किसको वरीयता देनी चाहिए? जो नजदीक है उसको अंक ज्यादा मिलने चाहिए, उसकी मात्रा को ज्यादा काउंट किया जाना चाहिए। दूसरा है उर्वरकता। उर्वरकता को हम जनन शक्ति भी कह सकते हैं। जनन शक्ति का मतलब है कि एक सुख के प्राप्त करने पर वो अन्य सुखों का भी कई बार कारण बनता है। जिस प्रकार से सरकारी नौकरी लगना एक प्रकार का सुख है, लेकिन सरकारी नौकरी लगने के पीछे अन्य जो सुख हम लोगों को प्राप्त होते हैं, जैसे धन का सुख प्राप्त होता है, समाज में हमारी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, इस प्रकार से हमारी जीवन की स्थायित्व होता है, हमारी आय की स्थायित्व में वृद्धि होती है, तो ये अन्य प्रकार के सुखों में वृद्धि करता है। तो ऐसे सुखों की मात्रा जो है ज्यादा मानी जाएगी, जिससे एक सुख को प्राप्त करने से अन्य दूसरे सुख भी उसके पीछे प्राप्त होते हैं। तीसरा तीव्रता। तीव्रता का मतलब है कि जिस सुख से ज्यादा तीव्रता की संतुष्टि होती है, ज्यादा व्यक्ति की संतुष्टि होती है, वो तीव्रता भी इसका लक्षण उसने बताया। इस प्रकार से बेंथम ने मूल्य, मूल्य उसके इन 7 विकल्प में कहीं पर भी नहीं है। ये 3 तो है, तो ये ठीक से आप लोग 7 याद रखेंगे तब इस ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप लोग दे पाएंगे। इसमें से बेंथम ने कहा कि ये जो 6 है, 6 कौन से? तीव्रता, निश्चितता, कालावधि, निकटता, दूर, विशुद्धता और जनन शक्ति, ये तो व्यक्तिगत सुखों की गणना में काम आते हैं, जबकि विस्तार, विस्तार किस लिए काम आता है? समाज के कितने लोग उस सुख से लाभान्वित हो रहे हैं, या अधिकतम लोगों की जब हम लोगों को जानकारी प्राप्त करनी होती है तो कौन से तत्व, कौन से आधार को देखना पड़ता है, उसका विस्तार कहां तक है, यह जानकारी के लिए विस्तार सामुदायिक या समाज या अधिकतम लोगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, बाकी ये व्यक्तिगत सुखों की जानकारी प्राप्त करने के लिए है। तो ऐसे प्रश्नों को याद करने के लिए आपको 7 के 7 पूरे के पूरे आप लोगों को याद होने चाहिए। अगला प्रश्न, जर्मी बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को 2 शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है, सुख और दुख। कब से हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं? बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन को नीतिपरक दर्शन कहा जाएगा? नहीं, क्योंकि बेंथम तो नैतिकता को स्वीकार ही नहीं करते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है, हालांकि कई बार ये विकल्प भी हो जाता है। आदर्शवादी दर्शन, उसके दर्शन में कहीं पर भी आदर्श नाम की कोई चीज ही नहीं, नैतिकता आदर्श उसके बेंथम के सिद्धांत में नहीं है। इस प्रकार से बेंथम के द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन की आलोचना करते हुए कार्लाइल ने कहा था कि यह शुक्र दर्शन है। तो कई बार इसकी, क्योंकि जो चीज है उसकी आलोचना भी बहुत अधिक होती है, बेंथम की बहुत अधिक आलोचना भी हुई है उपयोगितावादी सिद्धांत की, और सबसे जो पहले जो आलोचना की, हम कहेंगे जो सबसे अधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कार्लाइल ने बेंथम के उपयोगितावाद के दर्शन को शुक्र दर्शन कहा था। इसलिए कई बार आलोचक इसको क्या कहते हैं? शुक्र दर्शन, सूरों का दर्शन कहते हैं, कि बेंथम ने इंसान के
मानवीय जो है सुखों की गणना मानव के सुख को पशुओं के सुखों के समान माना है कि मानव के उन मात्रात्मक सुखों में ही केवल सुख मात्रात्मक ही होते, गुणात्मक होते ही नहीं है। तो सुवर के दर्शन से इसकी तुलना होने के कारण जिस प्रकार से सुवर गंदगी में रहना चाहता उसी में उसको सुख प्राप्त होता है, तो उससे तुलना करने के कारण इसको शुक्र दर्शन कहा जाता है। अगला, चूंकि इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि युद्ध व तूफान पढ़ने के लिए ही अच्छे होते हैं परंतु सहन करने के लिए व्यक्ति शांति और स्थिरता को श्रेष्ठतर मानता है, यह कथन तो बैंथम का है। बैंथम कहना क्या चाह रहा है? बैंथम यह कहता है कि यदि हम प्राकृतिक अधिकारों की बात को स्वीकार करेंगे तो व्यक्ति प्राकृतिक अधिकार की आड़ में कभी भी क्रांति कर सकता है, कभी भी जो है युद्ध की स्थिति में आ सकती, कभी भी हिंसक लड़ाइयां हो सकती है, और बैंथम शांति के समर्थक थे, इसलिए वो कहते हैं कि युद्ध और तूफान पढ़ने के लिए ही अच्छे होते हैं। सहन करने में प्रत्येक व्यक्ति शांति चाहता है, वो स्थिरता चाहता है, वही श्रेष्ठ है, युद्धों की और तूफान की उसने समर्थन नहीं किया। 27, सार्वजनिक कल्याण विधायक का श्रेष्ठ ध्येय होना चाहिए। क्योंकि बैंथम उपयोगितावाद का समर्थक है, बैंथम का उपयोगितावाद के सिद्धांत का पहले ही सिद्धांत यह होता है कि यह जन कल्याण के लिए होता है, यह लोक कल्याण के लिए होता है। राज्य का सरकार का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के अधिक से अधिक सुखों में वृद्धि करना, और सरकार यदि व्यक्ति के सुखों में वृद्धि करना चाहेगी तो इसका मतलब सरकार को सार्वजनिक कल्याण के कार्य करने होंगे। इस प्रकार से कथन भी किसका है? बैंथम का है।